चैप्टर नया लेसन एज पर माई प्रॉमिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल बताया था नैरेशन, नैरेशन, नैरेशन का लेक्चर है। ओके, चलो आप देखते हैं क्या है नैरेशन लेक्चर वन। इसका पहले मतलब समझते हैं, नैरेशन होता क्या है। द वर्ड और नैरेशन मीन्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू स्टेट समथिंग, किसी बात को कहना, समझे। अब इसमें भी होता है दो तरह का, किसी बात को दो तरह से कही जा सकती है, दो तरह से कही जा सकती है, जैसे एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। अब इसका डिफिनेशन थोड़ा सा हम बता दें, कभी आप लोग को जानने के लिए मिलेगा, पूछ दिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। तो इसका डिफिनेशन ये है, डायरेक्ट स्पीच का वे एंड ऑडियंस कोई भी बोलने वाला एक्सप्रेसेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, जो बोलने वाला है, जो किसी भी चीज का स्टेटमेंट, स्पीकर का स्टेटमेंट, इन द वर्ड, इन द लैंग्वेज ऑफ स्पीकर। लैंग्वेज मतलब उसकी जो भाषा हो, स्पीकर का ही भाषा हो, ठीक है। स्पीकर जिस बात को वो स्टेटमेंट दे रहा है, बोलने वाला कोई और है, ठीक है। इसमें समझे, सोचो कोई भी एक बोलने वाली बात है, ए बोला, ए की बात है। अब यहां पे आइदर ए या बी या सी कोई भी हो सकता है, जो यहां पे ऑडियंस है, क्या है, ऑडियंस है, और ये क्या है, स्पीकर है, ऐसे समझो, ठीक है। दो पार्ट हो गया, और इस चीज का सुनने वाला लिस्नर किसको है, कोई भी, एनीवन, ठीक है, चाहे तुम भी हो, हम भी हो, कोई भी। अब ये ऑडियंस है, ये ऑडियंस है, ए ने जो बोला है वो बात, एबीसी कोई भी एक ऑडियंस, इसकी बात को एनीवन को यहां के थ्रू यहां सुनाई जाती है, ठीक है। इसकी बात को यहां के थ्रू, और लैंग्वेज किसका होता है, इसी का होता है। सपोज दैट इसने बोला आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग। तो अगर सोच लो बी या ए कोई भी थर्ड पर्सन है, अगर इस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है कि ए ने बोला था मैं जा रहा हूं, ए ने बोला था मैं जा रहा हूं, तो अगर ये बात बोलता है, इन्वर्टेड कॉमा लगा दी है, और यहां पे ए से, ठीक है, ये से मैं जा रहा था। तो ये चीज जो हो गया ना, दिस वन, ये आ गया डायरेक्ट, समझ गए बात को। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, वेन एन ऑडियंस एक्सप्रेसेस द स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन हिज वर्ड्स, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। अब देखो इसी चीज को हम करते हैं, क्या ए ने बोला, किसने बोला, ए ने बोला है बात, यही चीज ए से आई एम बोली, हाँ, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब ए बी या सी कोई बोल रहा है, तो इसको करने के लिए ए से दैट, ठीक है, ही वाज गोइंग, ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, यही बात है। लेकिन यहां पे लैंग्वेज किसका हो गया, इसका हो गया, यहां पे लैंग्वेज किसका था, इसका था। अब बोलने वाला ऑडियंस कौन है, इसी में से, समझ में आ गई बात। तो इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम डिटेल चल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, कुछ और बातें को एग्जांपल के थ्रू लेंगे, ठीक है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, रब करो, ठीक है, ओके।
सपोज दैट कोई भी चीज मैं शुरुआत करूं यहां पे डायरेक्ट स्पीच और यहां पे इन डायरेक्ट। अब से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा क्या बीएस और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा आईएस। ठीक है, तो इन सब से आप लोग समझ जाएंगे। ओके, इन सब से आप लोग समझ जाएंगे। पहला चीज तो ये सीखने वाली बात है। ठीक है, इसको याद रखिएगा डीएस और आईएस। अब आइए इसके तहत धीरे धीरे चलते हैं, हम इसको इधर लिख देते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। ये दिया डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच और यहां पे एक वर्ड एक स्टेटमेंट लिखते हैं ही से टू मी। ठीक है, यहां इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू। यहां पे समझने वाली बात क्या है, मैं ऐसे बोलूंगा इसको क्या कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट होंगे। ये तो डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच होगा। अब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा से आगे वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे री पो टी क्या कहेंगे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच। समझने के लिए ये जरूरी है कि मैं बोलूं रिपोर्टिंग स्पीच तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि हम सब बोल रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा से फर्स्ट वाला, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड ये दो चीज याद रखिएगा, एक हो गया रिपोर्टिंग, दूसरा हो गया रिपोर्टिंग। क्लियर, ये समझ में आ गई है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा कि ये रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच में एक वर्ब है, वो वर्ब कौन सा है। तो इस वर्ब को मैं वर्ड यूज करूंगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। डायरेक्ट स्पीच में क्या तीन चीज को याद रखना है, एक रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, और थर्ड क्या याद रखना है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स ये वन ये टू और ये थ्री वर्ड्स भी याद रखोगे। ठीक है, क्लियर। इसको मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, ही टोल्ड, ठीक है, मी दैट ही, ठीक है, वॉज going to school। ठीक है, ये थी बात। चलो एक वहां पे जो लेसन दिया था उसको भी देख लेते हैं। वहां पे मैंने क्या लिखा था, ए सेड, ए सेड आई एम गोइंग। ठीक है ना, इसको ये हो गया डायरेक्ट स्पीच और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको मैंने बताया ए सेड दैट
ई, अब ए लगाएंगे, ए आइदर ही भी हो सकता है, ए आइदर सी भी हो सकता है ना। तो इसको तुम लोग देख लेना कि वहां पे अगर आई होगा तो उसको आई मत करना, हम शायद हो सकता है जल्दीबाजी में किए कर दिए होंगे। ए कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए करेंगे क्या, ए तो कोई हो सकता है, नाम ही है। सपोज दैट हम इसको नाम ए जो है क्या है, मेल है, तो हम इसको क्या करें, ही वॉज गोइंग, ठीक है, उसमें देख लेना स्टेटमेंट यहां पे जो लिख रहा था, तो वहां पे देखना अगर यहां पे आई होगा, अगर इफ बट आई हो या ए हो तो ए होगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको ही एस टी में कन्वर्ट हो जाता है, हमको याद नहीं है ठीक से, शायद हो सकता है। तो इसको ऐसे समझना, वहां पे लिखा हुआ था क्या, ए से आई एम गोइंग, ये तो परफेक्ट है कि मैंने ये लिखा था, ठीक है, मुझे ये याद नहीं कि यहां पे क्या लिखा था, तो रब कर दिया। तो उसको करना क्या, ए से दैट, अब ए को मेल मान लेना, फीमेल भी हो सकता है, अगर तुम फीमेल एक्सप्रेस करो तो सी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये था, वो तो खैर माई माइनस, मेरा ये कहने का मतलब है, यहां पे देखो, यहां पे भी सेड है और यहां पे भी सेड है, ठीक है, यहां पे भी सेड है और यहां पे भी सेड है, लेकिन यहां इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने यहां टोल्ड कर दिया, लेकिन यहां मैंने सेड ही लेने दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब क्यों होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले मेरा मकसद है कि आपको कब टेल्स टेल टोल्ड ये लगाना है और कब से सेज से ये लगाना है, ठीक है, ये बात यह कहां इनडायरेक्ट स्पीच में, पहला लेसन, पहला चीज जो सीखना है हम लोग को यही चीज सीखना है। तो आगे तो बहुत सारा चीजें सीखने के लिए, इसमें तो सीखने के लिए इतना कुछ है कि अगर आप टेंस का बेसिक नहीं है तो आई एम सॉरी, फिर वो यहां पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो फिर से एक बार टेंस को देख लेना, ओके, यहां पर बहुत कुछ है। पहले लेयर में ये देखेंगे कि सर ने यहां भी सेट लिखा और यहां भी सेट लिखा, लेकिन यहां टोल्ड कर दिया और यहां सेट भी रहने दिया, ऐसा किया, ठीक है, इसका आंसर मैं दे रहा हूं, मैं नीचे का जगह बना रहा हूं, ऊपर वाला रहने दे रहा हूं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आगे हम इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा कि हो सकता है पहले वाले में वहां पर कुछ एरर रह गया हो जल्दीबाजी में, हो सकता है, हो सकता है मैंने सही भी लिखा हो लेकिन मुझे याद नहीं, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूं कब क्या कैसे करना है। चलो पहली बात यह देखो, यहां क्या लगा हुआ है, टू, यहां क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है ना, लेकिन अगर यहां पे लिखे थे जब ए, ए के बाद सेट था, तो क्या सेट के बाद टू था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक है, पहले से लिया, तो हमारे लिए वेरी क्लियर है कि जब टू रहेगा तब क्या है, ये रहेगा यहां पे अगर ए सेट है या ए सेज है, ठीक है, या ए एंड बी से है, ठीक है, तो ये तीनों का तीनों एज इट इज ही रह जाएगा अगर टू नहीं है, क्या नहीं है, टू नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर यहां पे टू हो और यहां पे टू हो और यहां पे भी टू हो, सब में टू आ गया ना, टू के बाद मी वगैरह वगैरह कोई भी हो सकता है एनीबडी, लेकिन हमको देखना है कि ये जो है इसके बाद टू होना चाहिए, ये जो है इसके बाद टू होना चाहिए, ये जो है इसके बाद टू होना चाहिए, तो क्या करें, चलो इसको हम मिटा देते हैं, हमको जरूरी है ये समझाना था। तो ये जो कन्वर्ट होगा ये डायरेक्ट स्पीच पे, ये समझो डायरेक्ट स्पीच का चीज क्या है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, हाँ, ये जो कन्वर्ट होगा ये टोल्ड हो जाएगा, टू गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू को हटाने के लिए हमको क्या करना है, टोल्ड लगाना है, यहां सेज है, सेज टू है,
तो ये हो जाएगा टेल्स, ठीक है। और यहां पे से टू है तो ये हो जाएगा टेल। तो ये चीज याद रखना, ये चीज को कंफर्मली याद रखना, क्लियर। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिए और इसको भी पकड़ लिए। अब जो है आज के लिए फर्स्ट रूल, आज जो है फर्स्ट रूल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कब क्या कैसे, ठीक है, क्लियर। चलो पहले रूल को चलते देखते हैं हम, इसको मैं रब करता हूं, ठीक है ना, और ये दोनों एग्जांपल ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे ही रूल मैं बताता हूं। ताकि आप लोग को समझ में आए, इफ रिपोर्टिंग वर्क इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, और फ्यूचर, ठीक है, there will no change. No change in indirect speech regarding tense, ठीक है, regarding tense मैंने लिखा है reporting verb is in present or future, ठीक है, is in present or future, तो there will be no change in indirect speech means इसमें, ठीक है, यानी कि इसमें रिगार्डिंग, जैसे देखो इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और ये क्या था पास्ट में, ये क्या है पास्ट में और ये क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये तो पास्ट में है तो इसमें तो चेंज कर दिया पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर होता अभी करके दिखाएंगे, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होता टेंस, जैसे यहां सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस कन्वर्ट हुआ तो ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं जाता, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज। देखो क्या करते हैं, जैसे सपोज है पहले हम इसको, ठीक है, क्या करते हैं प्रेजेंट में करते हैं, ही सेज टू मी, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में हो गया ही सेज टू मी, है, तो यहां पे क्या कर दिए सबसे पहले से ही टेल्स मी दैट, देखो आई तो ही जाएगा लेकिन ये वाज नहीं होगा, ये इज होगा, अगर ऐसा रहा तो टेंस रिलेटेड तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब वही चीज देख लो कि फ्यूचर अगर बनाते हैं तो ये तो हो गया प्रेजेंट का, ये क्या है प्रेजेंट में हो गया, अब फ्यूचर अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए फ्यूचर बनाने के लिए, ही विल से, ही विल से, तो यहां पर क्या होता है जहां पे रहता ही विल टेल, ठीक है, दैट उसके बाद एज इट इज, ठीक है, ये फ्यूचर का हो गया तो भी कोई चेंज नहीं, तो ये है रूल नंबर वन, ठीक है, ये रूल नंबर वन है, इसको देख लो, नेक्स्ट क्लास में रूल नंबर वन से ही कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे,
और बाकी सारा जो भी चीज है, जो मेन पार्ट है सीखने का, इसका ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है इसके बाद आता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में रहता है तब, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में रहता है तब प्रेजेंट और फ्यूचर वाला बहुत कम होता है। तो इसलिए प्रेजेंट वाला और फ्यूचर के लिए एक ही रूल है, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए एक ही रूल है रिपोर्टिंग वर्क का, ठीक है। इसको हो तुम लोग समझ गए होंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिस करो, बार बार सुनो। एक बार में नहीं तीन समझ में आता, दो बार में सुनो, दो बार में उसका तीन बार करो, रिपीट करो, एक्सेप्ट डू एंड डू इट अगेन एंड अगेन, और उसके बाद भी समझ में आता तो मुझसे पूछो, वेरी क्लियर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।